आम तौर पर जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उसे जलाया या दफनाया जाता है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग डेड बॉडी को साथ रखते हैं और उन्हें रोज खाना भी खिलाते हैं। इस अजीबोगरीब जगह की पूरी कहानी जानेंगे स्पॉटलाइट। इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी पहाड़ों पर रहने वाले टोराजा जनजाति के लोग मरने के बाद बॉडी को तुरंत दफनाने के बजाय उन्हें महीनों तक घर में रखते हैं। इन डेड बॉडीज का ऐसा सेवा सत्कार होता है मानो कोई बीमार इंसान हो। इस प्रथा को मुकला कहते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि मौत के बाद भी इंसान की आत्मा घर में ही रहती है। यही वजह है कि ये लोग डेड बॉडी के लिए हर वो चीज मुहैया कराते हैं जिन्हें वो शख्स जीवित रहने पर इस्तेमाल करता था, जैसे कपड़े, खाना, पानी और यहाँ तक कि सिगरेट, शराब भी। इंसानों की तरह ही शव को रोज नहलाया जाता है और कपड़े बदलकर तैयार किया जाता है। इनके सामने हर दिन खाना भी परोसा जाता है। लोग इनसे बातें तक करते हैं। लेकिन क्या डेड बॉडी रखने से ये सड़ते या इनमें स्मेल नहीं आती होगी? शव सड़े नहीं, इसलिए टोराजा के लोग उस पर खास तरह का लेप लगाते हैं। शव को सड़ने से बचाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड और पानी मिलाकर स्किन पर उसकी कोटिंग लगाई जाती है। वहीं डेड बॉडी से बदबू ना आए इसके लिए उसके सामने सूखे पौधे रखे जाते हैं। तो क्या इनका अंतिम संस्कार नहीं होता है? ये लोग डेड बॉडी को तब तक नहीं दफनाते जब तक सारे रिश्तेदार एक जगह इकट्ठा नहीं होते। मौत को दुख जैसा नहीं बल्कि उत्सव जैसा मनाया जाता है। लोग नाचते गाते डेड बॉडी को कब्र तक ले जाते हैं और सबको दावत भी दी जाती है। इसीलिए जब तक परिवार के पास इन्हें दफनाने के लिए पैसे ना आ जाए तब तक शव को घर पर ही रखा जाता है। इनकी अंतिम यात्रा को पुया कहा जाता है और इसकी शुरुआत भैंसे की बलि देकर होती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये लोग भैंसे की बलि देने के बाद ही डेड बॉडी को मरा हुआ मानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिसने जितनी भैंसों की बलि दी होगी उसे पुया यात्रा में उतना ही सम्मान मिलता है। मिडिल कास्ट के लोगों को कम से कम 24 भैंसों की बलि देनी होती है। इसके बाद शव को लकड़ी से बने बॉक्स में रखकर पत्थर के कब्र में दफना दिया जाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक लोअर कास्ट के लिए इस अंतिम यात्रा की कीमत करीब 42 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है, जबकि अपर कास्ट के लिए इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से लेकर करीब 4.5 करोड़ रुपए के बीच होती है। टोराजा प्रजाति हर साल एक अनोखा त्योहार मनाती है जिसे मानेने कहा जाता है। इसमें लोग पूर्वजों को वापस कब्र से निकालकर उनकी सफाई करते हैं और फिर उन्हें नए कपड़े पहनाकर तैयार करते हैं। इसके बाद उन्हें घर ले जाया जाता है और इंसानों की तरह बातें की जाती हैं। जश्न के बाद वापस इन्हें कब्र में दफना दिया जाता है। टोराजा समुदाय के लोगों के मुताबिक इसकी शुरुआत पोंग रुमासेक नाम के एक शिकारी से हुई थी। शिकारी को जंगल में एक पेड़ के नीचे लाश मिली थी। उन्होंने लाश को कपड़े से लपेट कर दफना दिया। माना जाता है कि इसके बाद उनकी जिंदगी में गुड लक आया और बदहाली खत्म हो गई थी और तब से ये फेस्टिवल चला आ रहा है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए।